Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. कांग्रेस पार्टी के और आम आदमी पार्टी के हमारे सब बब्बर शेर कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। प्रेस के मित्रों, आपका भी स्वागत, मगर आप हमारे मित्र नहीं हो। कहना पड़ता है, मगर आप ना छोटे व्यापारियों के मित्र हो, ना युवाओं के मित्र हो, ना किसानों के हो, ना मजदूरों के हो, आप अदानी जी के, मोदी जी के मित्र हो। और आप 24 घंटा कभी अंबानी की शादी दिखाओगे? आपने कभी नोटिस किया चांदनी चौक के भाइयों और बहनों कि ये कभी भी छोटे व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस की, कारीगरों की बात नहीं करते हैं, मगर 24 घंटा आपको या बॉलीवुड स्टार्स दिखाएंगे, या अंबानी की शादी दिखाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी जी का चेहरा आपको दिखेगा। तो ये कहना पड़ता है, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये 2-3 अरबपतियों के मित्र हैं। खैर, इनकी गलती नहीं है, ये जो स्ट्रिंगर्स हैं, कैमरामैन हैं, ये इलेक्शन में वोट इंडिया अलायंस को देंगे, देख लेना। और आप याद रखिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी याद रखिए कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य, इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का, और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का। भाइयों और बहनों, देखिए, अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर टीवी पे कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो इस संविधान को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया, चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए, मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया, तो बता दो मुझे क्या है।
नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अब भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। आप सोचिए 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा, या जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसको 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को दिया है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यहां पे लाल किले को, जो नेशनलिज्म का प्रतीक है, सिंबल है, देशभक्ति का सिंबल है, उसे प्राइवेटाइज कर दिया, उसका ठेका किसी को दे दिया। तो पूरा का पूरा काम 22-25 लोगों के लिए हो रहा है। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के, आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने? देखा ना, वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए। सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये है सवाल। भाइयों बहनों, 30-35 इंटरव्यू दिए हैं, वही 5-10 जर्नलिस्ट, 2-3 इंटेलेक्चुअल्स ने, पत्रकारों ने मुझे चिट्ठी लिखी, पब्लिक अनाउंसमेंट किया और नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि नरेंद्र मोदी जी, लोकतंत्र में डिबेट होना चाहिए, डिबेट जरूरी है, आपको राहुल गांधी के साथ डिबेट करना चाहिए। ओ भाई हेलो, जो आपके विचार हैं आप रखिए और जो राहुल गांधी के विचार हैं वो भी रखिएगा, सही बात है ना? मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? हिंदुस्तान में आपने इनको एयरपोर्ट दिए, पोर्ट्स दिए,
इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, डिफेंस इंडस्ट्री आपने इनको दे दी, अग्निवीर आपने इनके लिए किया, जवानों से शहीदों का हक खींचना, तो सबसे पहले मुझे बताइए ये अदानी और आपका रिश्ता क्या है। पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, जिसमें आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो और कुछ ही दिन बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको बीजेपी को पैसा देता है, या फिर सीबीआई ईडी आप उस पर डाल देते हो और फिर उसके बाद वो आपको पैसे देते हैं और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस खत्म हो जाता है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। और मैंने मतलब किसानों की बात ही शुरू नहीं की, फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट घेरे जा रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीनकर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की तिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए, दो तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। और मैं आप जो देखिए, जो आप नरेंद्र मोदी जी से कहलाना चाहते हो, मैं उनके भाषण में कहला दूंगा। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी आप अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते हो, आपको अदानी और अंबानी का नाम लेना चाहिए। उसके दो तीन दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते, अदानी अंबानी। मैं भाषण में, हम एक योजना लाए हैं जिसमें चांदनी चौक, दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को जबरदस्त फायदा होने वाला है, महालक्ष्मी योजना। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, गठबंधन के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर इस योजना के बारे में हिंदुस्तान के, दिल्ली के लोगों को समझाना पड़ेगा। अब ये योजना क्या है मैं आपको बताता हूं, और उसमें भी मैंने मोदी जी से कहलवा दिया। तो योजना है, नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, हमने मन बनाया है कि हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं, चांदनी चौक में हम लाखपति बनाने जा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी, चांदनी चौक में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, दिल्ली में जो भी गरीबी रेखा से नीचे है, जो भी परिवार गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी लिस्ट बनेगी, पूरे हिंदुस्तान में बनेगी, करोड़ों परिवारों की लिस्ट बनेगी, और फिर हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस परिवार के बैंक अकाउंट में, उस महिला के बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया इंडिया गठबंधन डाल देगा। मतलब 8,500 रुपए महीने के थकाटक अंदर। अब मैंने बोला, भाषण में बोल दिया थकाटक अंदर। अब अपने हर भाषण में नरेंद्र मोदी थकाटक फटाफट 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 थकाटक बोल रहा है।
जो भी कहलवाना है बोल दो, मैं कहला दूंगा। उसके बाद जो भी कुछ भी कहलाना हो, पहले भैया नफरत फैलाते थे देश में, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते थे। कुछ दिन पहले उनके चमचों ने इंटरव्यू किया, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो, तो इसका मतलब आप वेजिटेरियन नहीं हो क्या? पूरे देश को आप 24 घंटे कहते हो कि मैं वेजिटेरियन हूं, और फिर जब आप छोटे थे मुसलमान भाई आपको ईद का खाना भेजते थे और आप खाते थे। तो अब ये नए नरेंद्र मोदी आए हैं, क्योंकि इनको पता लग गया है कि इनकी बाय बाय होने जा रही है। तो अब जो भी कहलवाना है मैं कहलवा दूंगा। बस एक, अब देखो कितना गहरा रिश्ता है इनका अदानी अंबानी के साथ। प्रेशर में आके उनका भी नाम ले लिया स्टेज पे, बड़े फोन कॉल आए होंगे उनको, नरेंद्र भाई आपने क्या बोल दिया, ये क्या कह दिया आपने। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को दिए हैं। नरेंद्र मोदी टेम्पो की बात कर रहे हैं, आपने सुना कि पैसा टेम्पो में जा रहा है। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, अगर कांग्रेस पार्टी को टेम्पो में पैसा मिल रहा है तो इंक्वायरी करिए ना आप, अदानी और अंबानी पे सीबीआई ईडी लगाइए। मैंने 10 दिन पहले कहा कि आप इंक्वायरी करिए, कोई अब इंक्वायरी नहीं हो रही, चुप बैठे नरेंद्र मोदी। और महालक्ष्मी योजना से इनको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि हमने कहा है कि अगर आप 22 अरबपति बना सकते हो तो हम करोड़ों लाखपति बना के ही छोड़ेंगे। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मजदूरों को मनरेगा के लिए 450 रुपए, आज 250 मिलता है। अच्छा बताओ गैस सिलेंडर कितने का है? नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, 400 रुपए का गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया है, आज 1100 है। जरा सिलेंडर की बात करवाइए, डिबेट में यह भी पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। 2 करोड़ युवाओं को आपने बेरोजगार बनाया है, आपने कहा था 2 करोड़ को मैं रोजगार दूंगा, उल्टा कर दिया आपने। अब बेरोजगार युवाओं के लिए हम पहली नौकरी पक्की योजना सिंपल सी है, हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा होल्डर्स जो इस भीड़ में बहुत हैं और चांदनी चौक में हैं, दिल्ली में हैं, पूरे हिंदुस्तान में हैं। भारत जोड़ो यात्रा में मैं युवाओं से मिलता था, पूछता था क्या करते हो, कहते कुछ नहीं करते। पता कैसे बचे, मैं बताता हूं आपको। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों नाले में पाइप डालो। आप सोचो नाले में गैस है, गैस पाइप में जाएगी, उस पाइप में से गैस को जलाओ और पकौड़े बनाओ। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया। वो एयरफोर्स वालों को नरेंद्र मोदी कहते हैं, मतलब अब देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से है ना, 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है,
रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में गिर जाए। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल्स को ये बोल रहा है, और मीडिया कह रहे हैं वारे वाह वारे वाह, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, क्या बात बोली क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। देखो जो इनके सामने खड़ा होता है, आप देखो जो इनके सामने खड़ा होता है, जो खड़ा होता है इनके सामने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, करी 55 घंटे मेरी इंटरोगेशन की, मैं आपको बता रहा हूं ईडी वाले थक गए, मेरा घर छीन लिया, घर जब छीना मैंने इनको चाबी दी, मैंने कहा भैया घर नीचे है तुम्हारा, मेरे पास हिंदुस्तान में करोड़ों घर है, चांदनी चौक में हजारों घर है, मेरे लोगों के दिल में मेरा घर है, मुझे घर की जरूरत नहीं है, मैं 4000 किलोमीटर चला हूं कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और वही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और हम सब मिलकर चांदनी चौक में और दिल्ली में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 7 में से 7 सीट लेने जा रहे हैं। केजरीवाल जी को भी जेल में डाला, सोरेन जी को जेल में डाला, और लिस्ट बनी हुई है कांग्रेस पार्टी में से सीबीआई ईडी दबाकर एक के बाद एक नेताओं को ले जा रहे हैं दिल्ली से ही अभी एक को उठा के ले गए, है ना। मैं कहता हूं अच्छा है, जितने ले जाए उतना अच्छा है, हमें नहीं चाहिए ये नेता, डरपोक नहीं चाहिए हमें बबर शेर चाहिए, हमारी ये लड़ाई है संविधान की, हमें बबर शेर चाहिए, ये टाइगर बैठे हुए सारे के सारे, लगा दो इन पे, लगा दो सीबीआई, लगा दो इनकम टैक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टाइगर है टाइगर। हाथ के निशान में भाइयों बहनों, हाथ के निशान में झाड़ू है, तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। और ये जो नरेंद्र मोदी ने राजनीति जो शुरू की है ना, ये नफरत की, इसकी कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को, इसको दिल्ली की कोई जरूरत नहीं, दिल्ली पूरे देश को रास्ता दिखाता था, ये भाईचारे का कैपिटल है, हिंदुस्तान का कैपिटल है, मगर ये भाईचारे का कैपिटल है, और ये जब एक साथ मोहब्बत से काम करता है तो ये तेजी से आगे बढ़ता है, है ना। और देखिए आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे छोटे व्यापारी हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ये छोटा काम करते हैं, इनको नरेंद्र मोदी रोज कुचलते हैं, जीएसटी, नोटबंदी, पुलिस वाले तंग करते हैं, इनको जमीन नहीं देते, इनको जगह नहीं देते। तो 2-3 चीजें हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले अग्निवीर योजना को उठा के कूड़ेदान में, दूसरा काम जीएसटी को सिंप्लीफाई करेंगे, 5 अलग अलग टैक्स नहीं होगा, एक टैक्स होगा, ये जो एक्सटॉर्शन चल रहा है ये सब बंद हो जाएगा, कम से कम टैक्स होगा, और जो इन्होंने अरबपतियों के लिए किया
वो ही जो बैंक का सपोर्ट, बैंक लोन्स ये जो अरबपति को लेते हैं, वैसे ही हम बैंक लोन्स चांदनी चौक के छोटे व्यापारियों को, स्मॉल बिजनेस को, उसको मीडियम साइज बिजनेसेस को देंगे। क्यों? क्योंकि आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, आप ही लोग रोजगार दे सकते हो, वो दे ही नहीं सकते अरबपति। आपको अगर फाइनेंस दे दिया, टेक्नोलॉजी आपको दे दी, आप चाइना का मुकाबला कर दोगे? मेड इन चाइना, मेड इन चाइना छोड़ो, मेड इन चांदनी चौक लपेट लगाओ। तो ऐसा हिंदुस्तान हमें चाहिए जो मोहब्बत का हिंदुस्तान है, नफरत का हिंदुस्तान नहीं है। एक साथ खड़ा होके मेड इन चाइना का मुकाबला करना है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। यही इसी चीज के खिलाफ हम सबको खड़ा होना है। मेड इन इंडिया, मेड इन चांदनी चौक, मेड इन न्यू दिल्ली, ठीक है? तो फिर से दोहराना चाहता हूं, तीन सीटों में कांग्रेस पार्टी हाथ का निशान, चार सीटों में आम आदमी पार्टी झाड़ू। आम आदमी पार्टी के भी एमएलए बैठे हैं, नमस्कार, आइए सब आ जाइए, सब एमएलए आ जाइए। अच्छा, एक बात, मैं रोजगार की बात कर रहा था, एक जरूरी बात मैंने खत्म ही नहीं की। हाँ पेपर लीक, मगर एक जरूरी बात मैंने खत्म नहीं की। मैंने कहा कि युवाओं की लिस्ट बनेगी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा होल्डर्स लिस्ट बनेगी, और हम पहली नौकरी पक्की का अधिकार देंगे। एक साल की नौकरी होगी, ट्रेनिंग होगी, साल का 1,00,000 रुपया अनएम्प्लॉयड युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, महीने का 8,500 रुपए, ठगा ठक अंदर। और आखिरी बात, जब यूपीए की सरकार थी, ये हमारा स्कीम है, नरेंद्र मोदी जी हमारी स्कीम देते हैं, ये 5 किलो अनाज देते हैं, हम 10 किलो अनाज देने जा रहे हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप रात के समय आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, बहुत ऊर्जा है आप में। अब जाके कांग्रेस पार्टी को जिताइए, आम आदमी पार्टी को जिताइए, भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट को जिताइए। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।